जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, फरमाइए जी। मुझे हजरत जी से बात करनी है। जी वो सुन रहे हैं आप। हजरत जी, जी हजरत जी, मैं आपकी मुरीद ह्यूस्टन टेक्सास से बात कर रही हूँ। आपसे बात करने के लिए मैं 2 महीने से बेचैन थी। अल्लाह ताला आपको जजाए खैर दे। आप बहुत ही मुनफरिद अंदाज में और अल्लाह ताला के कलाम की और उसकी इतनी फादियत बताते हैं कि हम महीनों इसमें डूबे रहते हैं। अल्लाह ताला इस सूरज और चांद की रोशनी को आपको कायम दायम रखे। मेरा ये मसला, मैं ये पूछ रही थी नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, इसका इस रूहानियत से क्या ताल्लुक है। और दूसरा ये है कि हजरत जी, ये जो बच्चे बच्चियां नाफरमानी करते हैं और खासतौर पर लड़के जो है वो नशे करते हैं, इसके लिए कुछ बता दें। अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं, फजर में नमाज में आँख नहीं खुल रही कई महीनों से मेरी भी, और तबीयत में बहुत गिरानी है। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। कोई ऐसा वजीफा जो इन तमाम मसलों को आसानी से हल कर दे। और मुस्तकिल सर में दर्द रहता है। ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आपने भी मुनफरिद अंदाज में जो है इजहार मोहब्बत किया है, और आपने बड़ी अच्छी बात नोट की कि मुनफरिद अंदाज से आप चीज़ें बयान करते हैं। और ये मेरे जो है वो बुज़ुर्गों का फैज़, जूतियों का सदका है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुनफरिद अंदाज से अल्लाह हर चीज़ कहलवाते हैं और यूनिक अंदाज से आप तक पहुँचती है और आप लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला इसको कायम उदायम रखे और नज़र बस से महफूज रखे, हासदों के हसद और दुश्मनों की अदावत से हम सबको महफूज रखे, आमीन। और बाकी आपने कहा नेगेटिव एनर्जी क्या होती है और रूहानी से इसके क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमन यकफुर बिताग़ूत, कि जिसने इनकार किया तागूत का, यानी अल्लाह के गैर जो है, जो बातिल जो है वो, उसका इनकार किया, शैतान मरदूद इबलीस का इनकार किया, वो यौमिन बिल्ला, और अल्लाह पर ईमान लाया, तो शैतान की जो नफ़ी है, शैतान की अगवा की जो नफ़ी है, तो शैतान और नफ्स की जो नफ़ी है, ये ऐन ईमान है। बस ये वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी ना हो तो इंसान शैतान की नफ़ी नहीं कर सकता, इसलिए वो रूहानियत के मैदान में इसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए आपने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह में नेगेटिव एनर्जी का जिक्र पहले है, ला इलाहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इल्लल्लाह अल्लाह के, तो इल्लल्लाह बाद में है, तो ला का जिक्र पहले है, तो नेगेटिव एनर्जी पहले पैदा होती है कि जो शैतान व नफ्स के अगवा की नफ़ी करती है। अब पॉजिटिव फैसला होता है जो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को कलब में उतारती है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद यह है कि अल्लाह के सिवा सब की नफ़ी होकर अल्लाह की ज़ात का इस्बात किया जाता है, तो इससे फिर इंसान रूहानी की तरक्की पे जो आगे बढ़ता है। तो ये है नेगेटिव एनर्जी जिससे रूहानियत की बुनियादें खड़ी होती हैं। और बाकी दूसरे मसले के लिए कि तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है, परेशानियाँ हैं, उसके सुरद गाशिया हल अता का हदीसुल गाशिया 9 मरतबा पढ़े, 9 टाइम पढ़ के पानी पर दम करें, खाने पीने पर दम करके सबको खिलाएं पिलाएं। तो अपने खाने पीने पे 41 डेज पाबंदी से कर लें, ज़बरदस्त अमल है कि किसी भी किस्म की बीमारी परेशानी तकलीफ नहीं रहेगी। बहुत मुजर्रब है, मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। और वो जो कितने बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, नशा करते हैं, हाँ उसमें भी सूरह गाशिया सही? हाँ वो भी सही है। तो ड्रग वगैरह में चले जाते हैं उसके लिए सूरह वद्दुहा, सूरह वद्दुहा, सूरह गाशिया 9 दफ़ा कर लें, 7 दफ़ा सूरह वद्दुहा कर लें, वो भी दम कर लें, उससे इंशाल्लाह वो चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया।